हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी रेसिपी है एग भुर्जी पाव। ये मुंबई की बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड में से है। अगर आप मुंबई विजिट कर रहे हैं या फिर मुंबई में रहते हैं तो फिर आपको स्ट्रीट में एग भुर्जी पाव बनता हुआ दिखाई देगा, पर आप घर पे भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं मेरे इस रेसिपी के साथ। तो इस रेसिपी को देखिए और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और चलिए बनाते हैं एग भुर्जी पाव। एग भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन को गरम करके इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, साथ ही हम यूज़ करेंगे 1 बड़ा चम्मच बटर भी। अब इसे हम स्ट्रीट स्टाइल बना रहे हैं तो बटर तो डालना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे और जब ये अच्छे से गरम हो जाएगा फिर इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। और आप देख सकते हैं जो प्याज है इसे मैंने बहुत ही बारीक काटा है, एक बड़ा साइज का मैंने अनियन काटा है इसमें। और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये ट्रांसल्यूसेंट यानी हल्का गुलाबी ना दिखने लगे। फ्लेम यहाँ पे आप मीडियम टू हाई रख सकते हैं। और जब ये हो जाएगा इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर और हरी मिर्च, और टमाटर को भी बहुत ही फाइनली चॉप करना है। यहाँ पे मैंने 1 बड़े साइज़ का टमाटर यूज़ किया है और हरी मिर्च आप थोड़ा सा ज़्यादा ही यूज़ करें क्योंकि ये जो रेसिपी है ये थोड़ी सी तीखी अच्छी लगती है। और 2 मिनट तक इसे पकाएं, उसके बाद इसमें डालें सूखे मसाले जैसे कि जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। इसमें हम हल्दी यूज़ नहीं करेंगे। और जो नमक है ये मैं क्योंकि 4 अंडे के भुर्जी बना रही हूँ तो उस हिसाब से मैंने नमक डाला है, तो ये 1 बड़े चम्मच से थोड़ा सा कम है। मसाले को भी हम अच्छे तरीके से पका लेंगे। थोड़ा सा फ्लेम का ध्यान रखें यहाँ पर, मसाले को जलाएं नहीं, थोड़ा सा फ्लेम लो कर सकते हैं मसाला पकाते वक्त। और जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तब ये ऐसा दिखने लगेगा। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे अंडे, तो मैं बीच में थोड़ा सा जगह बना रही हूँ इस तरह से, और इसमें आप सारे अंडे फोड़ के डाल दें। और इसके बाद अंडों को मसाले के साथ मिक्स करते हुए हमें पकाना है, और इसे अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो मसाला है और जो नमक है वो अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अंडा बहुत ही जल्दी पक जाता है और आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मिक्स कर रही हूँ, और ये मिक्स हो चुका है अच्छी तरीके से। और इसे बिल्कुल ड्राई ना करें, थोड़ा सा जूसी रहने दें तब ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती, बहुत सारा डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और फिर गैस ऑफ कर दें, और एक भुर्जी बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसके लिए हम पाव को भी तैयार कर लेते हैं, सेक लेते हैं। तो पैन में थोड़ा सा बटर और डालें और पाव को इसमें हम अभी रोस्ट करेंगे। अब बटर पिघल गया है, अब मैं इसमें पाव डाल देती हूँ। अब जितना ज़्यादा बटर यूज़ करेंगे इसका टेस्ट और भी बढ़ता जाएगा, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही बटर यूज़ किया है। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, बिल्कुल स्ट्रीट जैसे ही बनती है और घर के हाइजीनिक में बनेगी तो फिर ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। अब इसे सर्व करना कैसे है मैं दिखाती हूँ। तो पाव के बीच में आप इस तरह से भुर्जी डाल दें और इसे बंद कर दें इस तरह से, और ये मैंने उल्टा पकड़ लिया है, इसे मैं सीधा कर देती हूँ, और ये बनके तैयार है एक भुर्जी पाव। और दूसरा भी मैं इसी तरह से बना लेती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसे। एंड आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।